देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुरमीत राम रहीम पर कल आने वाले फैसले को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट। हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा पंजाब के हालात पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। सीआरपीएफ के 5700 जवान तैनात हैं। चंडीगढ़ को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। सीबीआई कोर्ट के फैसले से पहले हरियाणा पंजाब में हिंसा की आशंका। पंचकूला की सीमा को सील कर गाड़ियों की तलाशी। हजारों समर्थक इकट्ठा हुए। अगले 3 दिन के लिए चंडीगढ़ पुलिस की छुट्टियां भी रद्द है। डीजीपी लूथरा ने कहा है 5000 जवान तैनात होंगे। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। हिंसा की आशंका को देखते हुए प्रशासन का फैसला। पंचकुला के सभी स्कूल 25 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए गए। हरियाणा में आज और कल सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। जी न्यूज भी संयम रखने की अपील करता है। डेरा सच्चा सौदा के वकील ने कहा कि गुरमीत राम रहीम कल पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप है। 2002 में ये केस दर्ज कराया गया था। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ आज इस मामले में फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला आधार कार्ड का भविष्य भी तय करने वाला है। कोर्ट ने कहा है कि जो डेटा जिस मकसद से लिया जाता है उसका इस्तेमाल उसी के लिए हो। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को विजयदशमी के दिन शाम 6 बजे तक मूर्ति विसर्जित की जा सकेगी। 1 अक्टूबर को मुहर्रम की वजह से विसर्जन पर रोक रहेगी। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने और कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और पीएम नरेंद्र मोदी की आज औपचारिक मुलाकात होगी। हैदराबाद हाउस में सुबह 11:30 बजे मीटिंग होगी। गोरखपुर में बच्चों की मौत की जांच कर रही कमेटी की सिफारिश है। रिपोर्ट में कहा गया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 डॉक्टर्स पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की है। ट्रिपल तलाक पर जमियत उलेमाए हिंद का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी और शरीयत के खिलाफ है। कर्नल श्रीकांत पुरोहित को जेल से रिहा होने के बाद तैनाती मिली है। मुंबई के कोलाबा में सेना के सदन कमांड लाइज यूनिट में तैनात हुए हैं। दिल्ली में जूनियर महिला डॉक्टर की पिटाई का विरोध। सफदरजंग अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। मुंबई के जोगेश्वरी में ट्रक ने सिग्नल पर खड़ी हुई गाड़ियों को टक्कर मारी। उसके बाद एक एक करते हुए 5 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक बाइक सवार की मौत भी हुई। दिल्ली के बवाना विधानसभा सीट पर पहली बार वीवीपैट से लैस ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 45% वोटिंग हुई। नतीजे 28 अगस्त। दिल्ली बीजेपी की आप मान्यता खत्म करने और मंत्री इमरान हुसैन की गिरफ्तारी की मांग की है। उपचुनाव में खास समुदाय के नाम से वोट मांगने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल के मानक तय करने के लिए हलफनामा दायर करने का आदेश है। सुनवाई 28 अगस्त को होगी। दिल्ली पुलिस ने एक फार्म हाउस में कसीनो का पर्दाफाश किया। 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 13 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। शिवसेना ने एक जैन मुनि के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। आरोप है मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में जैन मुनि ने बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। नवी मुंबई के सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर घायल यात्री की वक्त पर इलाज न मिलने से मौत हो गई। चलती गाड़ी से उतरते वक्त चोट लगी थी। मुंबई के अंधेरी इलाके में शिवसेना कार्यकर्ता की मौत हुई। गणेश पंडाल में करंट लगने से जान चली गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मुंबई में इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां बनाने वाले दत्तात्रेय के काम की तारीफ की। उन्होंने इसे शानदार सोच बताया। आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 14 सितंबर को आरोप तय होंगे। उन पर वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा ने केस किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फैजाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। पीड़ितों का हालचाल जानेंगे, राहत का भी जायजा लेंगे। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का बयान, अखिलेश ने 2019 में कोई गठबंधन किया तो वो अलग फैसला लेंगे। यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा को लेकर एसटीएफ का खुलासा, पेपर लीक करने में 2 गैंग शामिल थे, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली आगरा हाईवे पर टोल प्लाजा के पास पुलिस की गुंडागर्दी, टोल ब्रिज कर्मियों को पीटा, पैसे लेकर भी भागे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। यूपी के बदायूं में घातक बुखार का कहर है। पिछले 10 दिनों में 12 की मौत हो चुकी है। गांव में कैंप लगाए गए। बागपत में महिला की हत्या, शव नहर में फेंका, महिला 2 दिन से लापता थी। बदायूं में ही पुलिस ने छात्रा का शव बरामद किया। छात्रा एक कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी। फरुखाबाद में पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हुई। नाराज लोगों ने थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया।
लखनऊ की मलेहाबाद तहसील में तैनात अधिकारी ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों ने तीन अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। जयपुर के मुथूट फाइनेंस में 31 किलो गोल्ड की लूट के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा। तीनों की गिरफ्तारी पटना से हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने दो युवकों के अपहरण और मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। उनके साथियों ने ही नदी में धक्का दिया था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में घरेलू विवाद के चलते व्यक्ति ने पत्नी की हत्या की। आरोपी पति फरार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस ने शव बरामद किया है। फिलहाल शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक ये शव 5 से 6 दिन पुराना है। पटना पुलिस ने बाइक लूटने वाले गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 बाइक भी जब्त की गई। बिहार के मुंगेर में एक दलित महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। बागपत में दबंगों ने मामूली से विवाद पर एक परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक प्रेग्नेंट महिला समेत दर्जनों लोग घायल हुए। जी मीडिया के अखबार डीएनए का जयपुर एडिशन रीलॉन्च किया गया। जयपुर में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने डीएनए को रीलॉन्च किया। महाराष्ट्र के पालघर जिले के कोसवाड में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन। 2022 तक खेती की उपज दोगुनी करने का संकल्प। मध्य प्रदेश के खंडवा में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम। ग्रामीणों ने नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। देश में पहली बार आएगा 200 रुपए का नोट। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। सितंबर तक ये नया नोट आ सकता है बाजार में। पंजाब पुलिस की सिपाही जसप्रीत कौर ने वर्ल्ड पुलिस एनफायर गेम्स में भारत के लिए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता है। लॉस एंजलिस में लौटने पर भव्य स्वागत।